गाइस, मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में एक बहुत ही तगड़ी आरसी कार की मैं अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करने वाला हूँ। ये कार को मैंने दो दिन पहले ही खरीदा था। इसका नाम है लैंड रोवर रेंज रोवर स्पोर्ट्स वर्जन। अगर आपको याद होगा तो मेरे पास रेंज रोवर इवोक पहले से ही थी। आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है दोस्तों, दो दो रेंज रोवर अपने पास है। तो आज मैं टोटल चार कार्स के बीच में फाइट कराने वाला हूँ। यहाँ पर दो कार्स मैंने रखी है, ये है मर्सिडीज जी वैगन, ये है बुगाटी वेरॉन। दोस्तों फटाफट से पहले इन चारों की करते हैं अनबॉक्सिंग, फिर कराएंगे इनके बीच में फाइट। लेट्स स्टार्ट। ये कार रेंज रोवर इवोक से बहुत ज्यादा डिफरेंट है और उसके मुकाबले में ये कार बिग साइज की भी है। ये है CMJ RC कार और ये RSR से बहुत ज्यादा कम प्राइस में भी मेरे को मिली है। अगर आप इस कार को खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, उधर व्यू प्रोडक्ट दिखाई देगा, उसके बाद आपको ब्राउज प्रोडक्ट में जाना है। वहां पर जैसे ही जाओगे इसके वेबसाइट का बाय लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चाहे तो इसे खरीद सकते हो। ये कार भी पूरी तरीके से ऑफिशियल लाइसेंसड रेंज रोवर स्पोर्ट्स RC कार। चलो गाइस फटाफट से बिना वक्त वेस्ट किए इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है और इसकी क्वालिटी RSR की कार से कंपेयर भी करके देखेंगे, क्योंकि मेरे पास जो रेंज रोवर इवोक है वो RSR की तरफ से मैंने खरीदा था। निकाल लिया मैंने इसको बॉक्स के अंदर से बाहर, अभी दिखाता हूं। कार देखने में तो भाई साहब एक नंबर है, बिल्कुल रेंज रोवर स्पोर्ट्स जैसी ही इसको बनाई गई है। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक लग रही है, पर RSR कार्स की जिस तरह की बिल्ड क्वालिटी होती है उस तरह की मेरे को लग नहीं रही है, क्योंकि कार जो है थोड़ी सी हल्की फुल्की बनाई गई है। सामने रेंज रोवर लिखा हुआ आप देख सकते हो, यहाँ पर इसकी ग्रिल है, यहाँ पे लैंड रोवर का बैचिंग दी गई है, सामने भी रेंज रोवर बोल के लिखा हुआ है, यहाँ पर इसके हेडलाइट्स है, पीछे की तरफ भी रेंज रोवर है, लैंड रोवर की बैचिंग दी गई है, यहाँ पे स्पोर्ट बोल के लिखा हुआ है। नीचे की तरफ से भी बिल्ड क्वालिटी मेरे को काफी ज्यादा ऑसम लग रही है। इसके अंदर एक चीज है, हम लोगों को कोई भी रिचार्जेबल बैटरी नहीं मिलती है, यहाँ पर हम लोगों को 5 AA बैटरी डालनी पड़ती है इस कार को चलाने के लिए। इसके अंदर सबसे खास चीज मेरे को लगी है इसके व्हील्स। देखो गाइस बहुत मस्त वाला डिजाइन दे रखा है व्हील्स के ऊपर, व्हील्स का साइज भी जो है बड़ा मेरे को लग रहा है। पीछे के व्हील्स और सामने के व्हील्स सेम साइज के ही है। व्हील्स जो है पूरी तरीके से रबर के बनाए गए हैं। अंदर की तरफ इंटीरियर भी बहुत ही मस्त वाला दे रखा है, स्टीयरिंग वगैरह, पीछे की सीट, और यहाँ पर इसका बूट स्पेस तो बहुत ज्यादा बड़ा दे रखा है। मेरे को लग रहा है कि ये कार जो है कंप्लीटली 7-सीटर बनाई गई है। अभी इसका रिमोट मैं आपको दिखाता हूँ। यार रिमोट में थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ, पर RSR का रिमोट आप देखोगे ना यार बहुत मस्त क्वालिटी का होता है। इसका रिमोट उतना खास है नहीं, बहुत छोटा सा रिमोट है। की तरफ 2 AA बैटरीज डालनी पड़ती है रिमोट को ऑन करने के लिए। अभी ये है हमारी रेंज रोवर इवोक, मैंने इसको पिछले महीने ही खरीदा था। ये कार मैंने RSR की तरफ से खरीदा था। ये कार का प्राइस तकरीबन 6000 होगा गाइस। चलो फटाफट से कार को यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ, अभी दिखाता हूँ गाइस मैं आपको रेंज रोवर स्पोर्ट और रेंज रोवर इवोक में क्या फर्क है। सामने से यार दोनों कार्स बिल्कुल सेम टू सेम ही मेरे को लग रही है, पर इसके जो हेडलाइट्स है थोड़े से बिग साइज के है और इसका बोनट थोड़ा सा छोटा दिया हुआ है। यहाँ पर रेंज रोवर की बैचिंग दी गई है। इसके अंदर एक चीज है गाइस, देखो इसके व्हील थोड़े से छोटे मेरे को लग रहे हैं। पीछे की तरफ डुअल एग्जॉस्ट इसके अंदर मिल जाता है, मेटल की स्किड प्लेट भी लगाई गई है, कंप्लीटली प्लास्टिक नीचे की तरफ दिया है। यहाँ पर है इसका बैटरी कंपार्टमेंट, इसके अंदर भी 5 AA बैटरीज डालनी पड़ती है। अंदर की तरफ इंटीरियर वगैरह आप देख सकते हो, पीछे की तरफ यहाँ पर भी सीट्स दी गई है, पर इसका जो बूट स्पेस है ये मेरे को नजर नहीं आ रहा यार। अभी इसका रिमोट मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर मिलता है इसका रिमोट। जो कार हम लोग खरीदते हैं उसका लोगो भी दिया होता है, यहाँ पे लैंड रोवर का लोगो है। रिमोट बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। अभी मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ मर्सिडीज AMG G63 कंप्लीटली। ये कार बोलेरो जैसी ही दिखाई देती है और इसका एक और नाम भी है मर्सिडीज जी वैगन बोलकर। तो ये कार भी RSR की तरफ से आ जाती है। फटाफट से चलो इस कार को मैं यहाँ से अनबॉक्स कर देता हूँ। ये कार की स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है गाइस। RSR की जितनी भी कार्स मैंने खरीदी है उन सभी में से मेरे को ये वाली कार की जो बिल्ड क्वालिटी है दूसरे कारों में मेरे को देखने को नहीं मिली है। अगर आप इसको सामने से देखोगे ना गाइस बिल्कुल एक रियल मर्सिडीज जी वैगन जैसी दिखाई देती है। अगर आप इसको साइड से देखोगे तो महिंद्रा बोलेरो जैसी ही दिखाई देती है। भी देखो कितने ज्यादा रियलिस्टिक दिखाई दे रहे हैं। व्हील के अंदर यहाँ पर मर्सिडीज का लोगो भी दे रखा है। व्हील्स कंप्लीटली रबर के बने हुए हैं। नीचे की तरफ यहाँ पर 5 AA बैटरीज डालनी पड़ती है। यहाँ पर इसका ये जो पीछे का कंपार्टमेंट है हम लोग ओपन भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यार इस तरह से ओपन हो जाता है, बहुत बड़ा बूट स्पेस भी पीछे की तरफ मिल जाता है। ये है इसका रिमोट कंट्रोलर, इसके अंदर भी यहाँ पर मर्सिडीज का लोगो मिल जाता है। अभी अनबॉक्स करते हैं बुगाटी वेरॉन RC कार को। ये ऑफिशियल लाइसेंसड RC कार है नहीं, अभी फटाफट से चलो इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं। अगर आप ये चारों RC कार्स को खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है Amazon का, वहां से जाकर आप चाहे तो चारों RC कार्स को भी खरीद सकते हो। इसको बॉक्स के अंदर से निकाल लिया है। कार देखने में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, गोल्डन एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में कार बहुत ज्यादा तगड़ी नजर आती है, पर इसकी बिल्ड क्वालिटी उतनी खास है नहीं गाइस, क्योंकि ऑफिशियल लाइसेंसड RC कार है नहीं और ये बहुत ज्यादा हल्की फुल्की भी है यार। इसके अंदर कोई भी लोगो देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर इसकी हेडलाइट्स है, व्हील्स ठीक ठाक क्वालिटी के इसके अंदर मिल जाते हैं, पीछे की टेल लाइट्स भी इसकी काम करती है। इसका इंजन में यहाँ पर इस तरह का रिमोट मिलता है, इसके अंदर रिमोट की क्वालिटी ठीक ठाक है। इसके साथ एंटीना भी मिल
जाता है ताकि इसकी रेंज जो है बहुत ज्यादा बढ़ा सके हम लोग। दोस्तों चारों आरसी कार्स को मैंने यहाँ पे रख दिया है, फटाफट से इन दोनों के बीच में मैं आपको पहले कंपैरिजन करके बता देता हूँ। देखो दोनों को साइड बाय साइड मैंने रख दिया है। यहाँ पर कंप्लीटली ऊपर की जो ग्रिल है दोनों की सेम लग रही है, हेडलाइट्स एक के अंदर थोड़े से बड़े हैं, एक के अंदर थोड़े से छोटे हैं। यहाँ पर डिफरेंस आपको दिख रहा होगा गाइस, इन दोनों की स्किड प्लेट जो है सामने का बम्पर ये थोड़ा सा अलग दे रखा है। ऊपर की तरफ से भी दोनों कार सेम टू सेम ही नजर आ रही है, बाकी दोनों के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये कार ऊंची भी ज्यादा है और लंबी भी ज्यादा है। तो दोस्तों अभी चलते हैं बाहर, फटाफट से कराते हैं इन चारों आरसी कार्स के बीच में फाइट, देखते हैं आज चारों में से कौन सी आरसी कार विनर हो पाती है। लेट्स गो एंड फाइट। दोस्तों रेंज रोवर स्पोर्ट्स के साथ जो रिमोट कंट्रोलर मिला था वो पता नहीं यार काम नहीं कर रहा था, तो मैंने ये वाला रिमोट इसके साथ पेयर कर दिया है। देखते हैं अभी ये वाला रिमोट लगाने पर कार किस तरह से चल पाती है। ओ यार मैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सरप्राइज हो चुका हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से कार काम कर रही है, पर इसका जो टर्निंग रेडियस है ये थोड़ा सा बढ़ चुका है। और ये रिमोट लगाने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसकी स्पीड भी जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अभी मर्सिडीज जी वैगन को भी चला के देखते हैं, इसके साथ जो रिमोट मिलता है बहुत ज्यादा स्मूथ है यार, कार देखो कितनी फास्ट तरीके से चल रही है और इसको कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा ईजी है। अभी आरसी बुगाटी कार को भी चला के देखते हैं, इसके अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि देखो व्हील्स इसके स्किड करने लगते हैं। टर्निंग रेडियस ठीक ठाक है, आप इसको छोटे से एरिया में भी चला सकते हो। अभी टेस्ट करते हैं रेंज रोवर इवो को, ये कार बहुत साइलेंटली चलने लगती है यार, यहाँ पर तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कि मैं इसको चला भी रहा हूँ। कार के अंदर एक दिक्कत मेरे को लगती है कि इसके ब्रेक्स प्रॉपर तरीके से लगते नहीं है क्योंकि इसके व्हील्स बहुत ज्यादा छोटे दे रखे हैं। तो दोस्तों अभी दोनों के बीच में रेस कराते हैं, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। यहाँ पर रेस स्टार्ट हो चुकी है, दोनों लगभग आसपास में ही चल रहे हैं। अभी एक काम करने वाला हूँ मैं, दोनों के अंदर फुल ट्रिगर दबाने वाला हूँ। जैसे ही फुल ट्रिगर दबाया मर्सिडीज पहले तो आगे निकल चुकी थी, उसके बाद में देखो यार रेंज रोवर इसको धक्का मार आगे की तरफ निकल चुकी है। ओ माय गॉड मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा है, रेंज रोवर मर्सिडीज से ज्यादा स्पीड चल रही है। रेंज रोवर की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। अभी आएगा दोस्तों असली वाला मजा, दो दो रेंज रोवर के बीच में रेस कराते हैं, देखते हैं यहाँ पर कौन जीतता है। रेंज रोवर इवो पहले तो आगे निकल चुकी थी, यहाँ पर देखो यार इसको आगे जाने के लिए बिल्कुल भी चांस नहीं दे रही है। उतने में रेंज रोवर स्पोर्ट्स ने अपनी स्पीड बढ़ा ली है और ये बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है। मेरे को लगा था यहाँ पर भी दोनों के बीच में काफी ज्यादा टफ फाइट होगी, पर रेंज रोवर स्पोर्ट्स सच में यार बहुत ज्यादा ऑसम आरसी कार है। वापस से यहाँ पर रेंज रोवर स्पोर्ट्स जीत चुकी है रेस में। अभी देखते हैं गाइस रेंज रोवर स्पोर्ट्स बुगाटी को भी हरा पाती है, यानी आपको पता होगा बुगाटी की स्पीड कितनी ज्यादा होती है। वापस से रेंज रोवर देखो यार आगे निकल चुकी है, बुगाटी इसके पीछे पीछे जा रही है। बुगाटी भी कुछ कम है नहीं, देखो गाइस इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ओ माय गॉड इसने इसको टक्कर भी मार दिया, पर रेंज रोवर स्पोर्ट्स इससे भी ज्यादा स्पीड मेरे को लग रही है। दोनों के अंदर बस थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया, बुगाटी यहाँ पे पूरी कोशिश कर रही है, पर गाइस देखो रेस यहाँ पे खत्म होने वाली है। क्लियरली वापस से रेंज रोवर स्पोर्ट्स जीत गई है रेस को। ठीक है गाइस अभी दोनों के बीच में पुश बैक कराते हैं, रेस में तो बुगाटी हरा नहीं पाई है, अभी देखते हैं यहाँ पर कौन जीतता है। भाई साहब टक्कर बहुत खतरनाक वाली थी। रेंज रोवर स्पोर्ट्स देखो यार बुगाटी के ऊपर चढ़ाई कर चुकी है, यहाँ पर बुगाटी इसको पीछे नहीं ढकेल पा रही है क्योंकि इसको प्रॉपर तरीके से ग्रिप नहीं मिल पा रही थी। एक काम करते हैं दोनों को पीछे ले लेते हैं, अभी दोनों के बीच में वापस से पुश बैक कराएंगे। यहाँ पर पुश बैक में सरप्राइजिंगली वापस से रेंज रोवर स्पोर्ट्स देखो यार धीरे धीरे करके बुगाटी को पीछे ढकेले जा रही है। वापस से यहाँ पर रेंज रोवर स्पोर्ट्स जीत चुकी है दोस्तों। अभी लैंड रोवर की मैं पुश बैक कराने वाला हूँ मर्सिडीज जी वैगन के साथ, देखते हैं यहाँ पर कौन जीतता है। टक्कर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि दोनों एकदम से पीछे की तरफ हट चुके हैं। यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि दोनों के बीच में टाई होने वाला है। मर्सिडीज ने रेंज रोवर को रोक रखा है, मेरे को नहीं लगता है ज्यादा देर तक इसको रोक पाएगी। अभी देखो इसने अचानक से अपनी पावर बढ़ा दी है, रेंज रोवर स्पोर्ट्स ढकेलना चालू कर चुकी है पीछे मर्सिडीज जी वैगन को। वापस से यहाँ पर हरा के रख दिया यार मर्सिडीज जी वैगन को रेंज रोवर स्पोर्ट्स ने। अभी आएगा असली वाला मजा, दोनों रेंज रोवर के बीच में टग ऑफ वॉर भी करा के देखते हैं यहाँ पर कौन जीतता है। अचानक से रेंज रोवर इवोक ने व्हीली मारना चालू कर दिया है, पूरी पावर लगाकर ये रेंज रोवर स्पोर्ट्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। अभी ये नीचे भी आ चुकी है, देखो गाइस अचानक से धीरे धीरे करके ये खींचना चालू कर चुकी है रेंज रोवर स्पोर्ट्स को। भाई साहब मेरे को लगा था कि यहाँ पे वापस से रेंज रोवर स्पोर्ट्स ही जीतेगी, पर सरप्राइजिंगली रेंज रोवर इवोक ने हरा के रख दिया है और इसको पलट भी दिया है। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको इन चारों आरसी कार्स में से कौन सी आरसी कार पसंद है। चलो अभी मैं दे देता हूं शाउट आउट। पहला नाम आ जाता है सवल जैन, साहिर, युवराज, पुलकित, हुजैफा, दुष्यंत, सूर्या कुमार, जैन, सुमित, मयंक। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।